हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम है माधव और आप लोग देख रहे हो बंगाल इलेक्ट्रिकल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक छोटा सा पिन बॉक्स यानी पिनदानी। इसको बनाना बहुत ईजी है, बनाते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो हम सबसे पहले लेंगे एक पीवीसी पाइप और कुछ सीट। मैंने एक सीट के ऊपर 6 होल करके रखा है, देख सकते हो, और एक हाफ सर्कल काट करके रखा हूँ और कुछ इस टाइप का एक पीवीसी सीट के काट करके रखा हूँ। तो हाँ, अब हम पहले लेंगे इन सबको, हम साइड करेंगे। ये जो पीस था ये एरिया पर था, मैं इसको काट करके निकाल लिया है। तो गाइस, तो सबसे पहले हम इसको हटाएंगे और कुछ एलईडी लेंगे। ये मैं ग्रीन एलईडी यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो ब्लू यूज़ कर सकते हो और आरजीबी भी यूज़ कर सकते हो। मैं एलईडी की इन होलों में लगा देता हूँ जल्दी जल्दी। मैं लगाता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मैंने इन सबको लगा लिया और गाइस देख सकते हो जो लेग है जो मैंने पैरेलल में इस कनेक्शन करूँगा एलईडी की। इसके लिए हमें चाहिए 2 वायर, एक ब्लू और एक रेड। इसे कनेक्शन पैरेलल में करेंगे यानी प्लस 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 एक साइड और माइनस 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 एक साइड। कनेक्शन करना बहुत ईजी है, कनेक्शन आप कर लोगे मुझे पता है। तो मैं जल्दी इसको करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आप घर पे ट्राई करना। तो मैंने एक लड़की नेगेटिव के ऊपर सोल्डिंग कर दिया हूँ, अब मैं दूसरी लड़की नेगेटिव के ऊपर सोल्डिंग करूँगा। उससे पहले हम इसको पेस्ट देंगे और सोल्डिंग करेंगे। तो मैं इसको सोल्डिंग कर दिया हूँ, देख सकते हो, ऐसे ही आप लोगों को भी कर लेना है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ी, ये वायर बार बार बीच में आ रही है। तो कैसे देख सकते हो, ऐसे ही आपको कर लेना है। तो मैं रेड को करूँगा पॉजिटिव को, उसके बाद आप खुद कर लेना। तो गाइस, मैंने प्लस के भी कनेक्शन कर दिए हैं, देख सकते हो, ऐसे ही हम सबको कर लेंगे। तो मैंने इसकी पूरा एक पूरा बना लिया हूँ, देख सकते हो, और नेगेटिव पॉजिटिव एक निकाल लिया हूँ। मैं एक बैटरी से आपको जला के दिखा रहा हूँ, गाइस देख सकते हो 6 लाइट ग्लो कर रही है, बहुत ही तगड़ी वाली ब्राइटनेस है इन एलईडी की। अब हम इस एलईडी की जो बोर्ड है इसको हम फिट करेंगे इस पीवीसी पाइप के अंदर। तो मैं इसको फटाफट फिक्स करूंगा और फिर भी क्विक से इसको चिपका दूंगा। हम इसको चिपकाने से पहले आप स्केल लेंगे और इसकी जो मेजरमेंट है देख लेंगे सब जगह सही है या गलत। तो हम इसको देख लेंगे सही है कि नहीं, उसके बाद हम इसको फिर भी क्विक से चिपका देंगे। तो मैंने इसकी जो है चिपका दिया फिर भी क्विक से, इसको थोड़ा अंदर कर साइड रखा हूँ। अब हम एक लिथियम आयरन बैटरी लेंगे और इसके ऊपर इसके अंदर लगाएंगे और एक सोलर पैनल लेंगे इसको चार्ज करने के लिए। एक छोटा सा स्विच लेंगे, बहुत ही छोटा स्विच है, और दो एक डबल टेप से 2 पीस छोटे छोटे काट कर लेंगे, उसको लगा देंगे और इसको 2 पीस लगाएंगे हम। तो ये हो गई, हम कटर के द्वारा वायर को काट कर लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को छील लेंगे, काटेंगे नहीं। तो गाइस, अब हम इसके ऊपर सोल्डिंग करेंगे वायर के ऊपर। तो मैं पेस्ट दूंगा, उसके बाद हम इसके ऊपर सोल्डिंग करेंगे। तो मैं सोल्डिंग कर देता हूँ पॉजिटिव के ऊपर पहले, उसके बाद नेगेटिव के ऊपर। ये हो चुका है, अब हम इस बैटरी को कनेक्शन करेंगे एलईडी के साथ। तो मैं इसको बैटरी को चिपका दूंगा, बैटरी को सीधा करके चिपका लूँगा डबल टिप के ऊपर। उसके बाद जो नेगेटिव है वो एलईडी के नेगेटिव यहाँ पर है वहाँ पर कनेक्शन कर देंगे यानी सोल्डिंग कर देंगे। तो कोई एक एलईडी के नेगेटिव के ऊपर आप कनेक्शन करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ग्राउंड मैंने एक कर दिया यानी नेगेटिव एक कर दिया हूँ मैंने, पॉजिटिव देंगे तो ये एलईडी ग्लो करेगी। तो ठीक है, ये हो चुका है और ये नेगेटिव जाएगा सोलर पैनल में। तो ये स्विच है, तो हम इस कैप के जो कैप है उसको फिट करेंगे। उससे पहले हम
वायर को, सारे वायर को बाहर निकालेंगे और ये वाला जो कैप है इसको हम लगाएंगे। तो मैं इसको लगा दूंगा थोड़ी अंदर की साइड, लगाने के बाद फेविक्विक से चिपका दूंगा। तो मैंने इसको लगा दिया हूँ और एक एक्स्ट्रा रेड वायर लूँगा और उसको जो बैटरी की पॉजिटिव है उसके साथ सोल्डिंग करूँगा। तो मैंने सोल्डिंग कर दिया हूँ। अब हम लेंगे स्विच, छोटा सा जो स्विच है उसके मिडिल पॉइंट में जो वायर है उसके ऊपर सोल्डिंग करेंगे, लेग पे, मिडिल पे लेग पे, और साइड के लेग पे हम एलईडी की जो रेड वायर है यानी पॉजिटिव उसके ऊपर सोल्डिंग करेंगे। आपको पता ही, आप चाहो तो और कोई स्विच यूज़ कर सकते हो, कनेक्शन सब एक ही रहेगा। तो भाई सब कर लेना, ये छोटा स्विच है, इसको भी बड़ा वर्सन रहता है तो कनेक्शन एक ही। तो भाई देख सकते हो एलईडी को लगा रही है, जब भी स्विच दे रहा हूँ और ऑफ करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तब हम इसको यहाँ पर चिपका देंगे। तो मैंने इसको चिपका दिया हूँ, ये स्विच ऑन हो गया। तो मैं इसको अच्छे से ऑफ कर लूँगा, तो ये ऑफ हो गई। तो इसके बाद हमें सोलर पैनल को फिट करेंगे। उससे पहले हमें ले आए एक IN4007 डायोड लेंगे और पहले वायर को कट करेंगे उसके बाद लेंगे। तो गाइस मैं IN4007 डायोड यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो जिना डायोड भी यूज़ कर सकते हो। जो सिल्वर कलर की लाइन है वो होगी बैटरी की साइड और जो ब्लैक कलर की साइड होगी वो होगी सोलर पैनल की साइड। तो मैं इसको फटाफट डायोड को पॉजिटिव ओवर शील्डिंग करूँगा सोलर पैनल की, और जो दूसरी साइड है वो जाएगी बैटरी के पॉजिटिव के ऊपर साइड। तो मैं बेच दूंगा और शोल्डिंग कर दूंगा पॉजिटिव के ऊपर जो रेड वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो चुका है शोल्डिंग। अब ये नेगेटिव को हम शोल्डिंग करेंगे सोलर पैनल के नेगेटिव के ऊपर। तो ये चार्ज होगी, सोलर पैनल की चार्ज बैटरी में जाएगी, बैटरी की चार्ज सोलर पैनल में वापस नहीं आएगी। ये होगी कैथोड की काम, सॉरी डायोड की काम। तो अब हम डबल टेप से इसको चिपका देंगे। आप चाहो तो ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इसको फटाफट लगा देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और आप चाहो तो इसके पीछे भी एक कवर भी लगा सकते हो। तो गाइस ये अच्छी से ग्लो कर रही है। तो अब हमें इसके ऊपर का जो हमने एक बोर्ड शेप को बनाया था इसको हम लगाएंगे। तो मैं इसको फेविक से पहले बीच में चिपका दूंगा, उसके बाद हम इसको उस कैन के ऊपर लगाएंगे। तो मैं इसको अच्छे से फेविक से चिपका दूंगा। तो मैंने इसको चिपका दिया हूँ, अच्छे से चिपक गया फेविक से, और उसके हम ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर ये लगा देंगे, इसको भी हम फेविक्विक से चिपकाएंगे। तो मैंने इसको चिपका दिया हूँ। गाइस देख सकते हो पीछे सोलर पैनल है, सोलर पैनल से चार्ज होगी सोलर धूप में अगर रख दोगे तो। ये छेद जो है ये पेन रखने के काम आएगी आपको। और ये बड़ा वाला होल जो है इसमें आप टेस्ट स्टेपलर और कुछ वगैरह रख सकते हो। तो मैं इसको नाइट टेस्ट करके दिखा दूँ आपको। पहले हम एलईडी को ग्लो करेंगे, ये स्विच ख़राब हो चुके शायद, मुझे पता नहीं क्यों। तो गाइस देख सकते हो रात में इसकी ब्राइटनेस बहुत तगड़ी वाली है और वो बहुत खूबसूरत भी दिख रही है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी दिख रही है, अगर आप इसको जला कर रात में सो जाओगे तो ये नाइट बल्ब की तरह भी काम करेगी। तो गाइस देख सकते हो अगर ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस ये अपन मैं स्टेपलर रख कर दिखा दूँ, गाइस देख सकते हो स्टेपलर रखने की काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हाँ खुद का ख्याल रखना। और ये सोलर पैनल में चार्ज होती रहेगी बैटरी। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।